हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी रोम आईसी को प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम करने के लिए दोस्तों, बेसिकली हमारे को ये प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रोग्रामर का जो नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये RT809H प्रोग्रामर है। तो इसके थ्रू हम RT809H प्रोग्रामर के थ्रू आज रोम आईसी को प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, इसका कनेक्टर है। तो कनेक्टर के अंदर मैंने ऑलरेडी आईसी लगा रखी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी आईसी को हम प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है और जो हमारी फर्स्ट पिन है वो हमेशा इस लॉक की तरफ रहेगी। अगर हम इसको उल्टा लगा देंगे तो आईसी हमारी डैमेज हो सकती है। तो चलिए इसको मैं लगा देता हूँ। इसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारे कट हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी कट पे आप ये जो आईसी आप लगा सकते हैं। तो मैं एक आईसी को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आईसी मैंने इस तरीके से लगाई है, जो इसकी फर्स्ट पिन है वो इधर की साइड है। और अभी मैं इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसकी यूएसबी केबल है। तो यूएसबी केबल को आप इस तरीके से लगाएंगे और चलते हैं स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये हमारा RT809H जो सॉफ्टवेयर है इसको हम ओपन कर लेते हैं। RT809H सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद, इससे पहले इसकी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि इस RT809H के सॉफ्टवेयर को कैसे आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आपका ये डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आइकन है शॉर्टकट, तो इस पे डबल क्लिक करके हम इसको सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के बाद आपने स्मार्ट आइडेंटिटी बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं स्मार्ट आइडेंटिटी है। अब ये क्या है, हमारे पास जो प्रोग्रामर है RT809, इस RT809H प्रोग्रामर है, जो इससे हम चार प्रकार की आईसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैश रोम आईसी है जो कि 3.3 वोल्ट पे काम करती है। तो हमने फ्लैश रोम आईसी सेलेक्ट कर रखी है। अगर आपके पास नैंड फ्लैश आईसी है तो नैंड फ्लैश आईसी सेलेक्ट करेंगे। EMMC ISP के थ्रू कर रहे हैं। ISP का मतलब ये होता है कि आप EMMC को बिना निकाले अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप ISP के थ्रू प्रोग्राम करते हैं। अगर EMMC को निकाल के अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं प्रोग्रामर से BGA सॉकेट के साथ, तो EMMC हम सेलेक्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास जो है फ्लैश रोम आईसी है, तो हमने फ्लैश रोम आईसी सेलेक्ट कर रखी है। अभी मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो गीगा डिवाइस कंपनी की आईसी है और इस आईसी का जो नंबर है वो ये है GD25Q32। तो अभी क्या है, यानी कि जब भी हम कोई भी आईसी को प्रोग्राम करते हैं तो हम सबसे पहले उसके अंदर का जो डेटा है, यानी कि ऑलरेडी जो उसके अंदर डेटा है, हम उसको कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम रीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रीड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इसके अंदर का डेटा ये कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे कोई भी आप फाइल नेम दे सकते हैं, जिस भी आपने बोर्ड में से ये आईसी निकाली है तो उसका आप मॉडल नंबर भी दे सकते हैं, या किसी आपने ब्रांडेड सेट में से निकाली है तो ब्रांडेड सेट का मॉडल नंबर आप दे सकते हैं। अभी मैं जैसे कि यहाँ पे LG लिख देता हूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं LG लिख देता हूँ, तो LG 1 कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे LG की फाइल है, तो मैंने LG 1 कर दिया ताकि डिफरेंस फाइल मेरे को वहाँ पे दिखाई दे जाए। और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि ये जो फाइल है सेव होके आपके डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैंने ये डेस्कटॉप सेलेक्ट करा है, जैसे मैं एंटर बटन पे प्रेस करूँगा तो ये हमारी फाइल जो है सेव हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेव का बटन है, मैंने सेव करा, यहाँ पे लिख किया गया फाइल हैज़ बीन सेव। तो दोस्तों ये फाइल देखिए, आपका यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे ये फाइल दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर सेट की फाइल को कैसे कॉपी करना है कैसे, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रोग्रामर के थ्रू किसी भी फाइल यानी किसी भी आईसी के अंदर से कैसे आप रीड और राइट कर सकते हैं। तो अभी ये मैंने रीड का जो प्रोसीजर बताया था, अभी मैं आपको राइट का प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे कि देखेंगे, राइट करने के लिए अगर हमारे को राइट करना है, फाइल वापस चढ़ानी है, कोई दूसरी फाइल चढ़ानी है, तो मैं ओपन बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं फाइल सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे भी हमने फाइल रख रखी है। जैसे कि मैं एक फाइल यहाँ पे ले लेता हूँ, ये बिन फाइल है,
इस आईसी के अंदर यानी कि जो हमारी आईसी होती है इसके अंदर हमेशा बिन फाइल ही इंस्टॉल की जाती है। तो अभी मैंने फाइल को लेने के बाद ओके बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं फाइल हैज बिन लोडेड लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फाइल ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर लोड हो चुकी है। अभी मैं जैसे ही राइट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल ऑटोमेटिक क्या करेगा यानी कि ये सॉफ्टवेयर पुरानी फाइल को इरेज करेगा। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इरेज करने के लिए यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है, तो जैसे ही ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो ये स्टार्ट राइटिंग हो रहा है और स्टार्ट राइटिंग के बाद ये वेरीफाई करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वेरीफाई कर रहा है। और वेरीफाई करते ही हमारा अगर वेरीफाई सक्सेस लिख के आ रहा है तो वेरीफाई सक्सेस का मतलब क्या है कि हमारी जो ये आईसी है वो प्रॉपर तरीके से अब काम करने के लिए तैयार है। अभी हम इसको बोर्ड पे लगा के चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी फाइल को राइट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड। अगर आप भी हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग की कराई जाती है वो डायरेक्ट सर्विस सेंटर ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारे पास डेली 5 से 7 जो है एलसीडी, एलईडी टीवी और लैपटॉप रिपेयरिंग होने के लिए आते हैं, तो हम यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कराते हैं, जिससे कि आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस होता है। यानी कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं तो आप हमारे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। कम टाइम में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।